खबर है बिहार से, जहां की राजनीति चरम सीमा पर रहती है। यहां राजनीति में कब क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता। कौन सा नेता क्या बयान दे दे ये कोई नहीं जान सकता। ऐसे में खबर है चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को लेकर, जो अपने दावों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। वो अक्सर राजनीति से जुड़े कई खुलासे करते रहते हैं, तमाम दावे पेश करते हैं और अपने दावों में निशाना साधते हुए भी बखूबी नजर आते हैं। अब ऐसे ही उनका एक बयान सामने आया है जो काफी सुर्खियों में छाया हुआ है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की नाव डगमगा रही है। इसी के साथ प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि सरकार में अगर शामिल होना होता तो एक फोन करते और कल ही शपथ ले लेते। जाहिर है कि इन दिनों बिहार में प्रशांत किशोर जन स्वराज पदयात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें वो समय समय पर कोई ना कोई ऐसा बयान दे देते हैं। इसी के तहत वह सीवान जिले के गोरिया कोठी में जनता को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान किशोर ने कहा कि बहुत लोगों को लगता है कि प्रशांत किशोर सरकार में आना चाहते हैं, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि अगर मुझे सरकार में आना होता तो इसके लिए मुझे पैदल चलने की कोई जरूरत नहीं थी। एक फोन करने पर सरकार में आ जाएंगे। पीके केवल यहीं नहीं रुके, बल्कि बातों बातों में उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर भी निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि अभी नीतीश कुमार की नाव डगमग हो रही है, बेचारे रोज मुझे बोलते हैं कि कैसे भी मदद कीजिए। उन्होंने आगे कहा कि अगर सरकार में जाना होगा तो कल ही सरकार में आ जाएंगे। ये सरकार बनाने का अभियान नहीं है, ये व्यवस्था को बदलने का अभियान है। ये जो यात्रा है वो समाज को बदलने के लिए है। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर बिहार को सुधारना है तो बिना समाज को जगाए बिहार को कोई नहीं सुधार सकता। इसलिए सब कुछ दांव पर लगाकर अपना घर परिवार और ऐशो आराम छोड़कर ये काम करने के लिए वो निकले हैं, ताकि बिहार में एक नई व्यवस्था बनाई जा सके। जाहिर है कि इससे पहले प्रशांत किशोर ने गोपालगंज के चैनपट्टी गांव में कहा था कि अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। 5 साल जनता बैठकर शिक्षा और रोजगार से जुड़ी समस्याओं पर बातचीत करती है, लेकिन जिस दिन मतदान होता है उस दिन जनता सब भूल जाती है। उन्होंने कहा था कि वोट सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर दिया जाता है। जो जात से बच जाते हैं वह हिंदू मुसलमान, चीन पाकिस्तान और पुलवामा के नाम पर वोट दे देते हैं। प्रशांत किशोर ने पिछले लोकसभा चुनाव की याद दिलाते हुए आगे कहा कि जिस नेता को चुनाव से पहले तक जनता गाली दे रही होती है उसी नेता को जनता सब भूल कर वोट दे आती है। उन्होंने ये भी कहा था कि लोगों ने मोदी जी के नाम पर पाकिस्तान और पुलवामा के नाम पर वोट दिया। जब पुलवामा और पाकिस्तान के नाम पर वोट दीजिएगा तो आपके गांव में स्कूल कैसे बनेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।